मूवी की शुरुआत होती है साल 1999 से, जब टोनी स्टार्क नए साल के दिन एक टेक्निकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने स्विट्जरलैंड गया हुआ था। वहां पर टोनी की मुलाकात माया हेंसन नाम की एक साइंटिस्ट से होती है। माया हेंसन एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसका नाम एक्सट्रीमिस्ट था, जो किसी भी इंसान या जीवित चीज के कटे हुए अंग को फिर से उगा सकता था। मगर उसकी रिसर्च अभी पूरी नहीं हुई थी और उसमें कुछ कमियां थी, जिसके लिए माया हेंसन टोनी को वो प्रोजेक्ट दिखाकर उसका हल निकालना चाहती थी। उसी रात उनकी मुलाकात ऑल्ड्रिच क्लेन नाम के एक साइंटिस्ट से होती है, जो एम यानी कि एडवांस आइडिया मैकेनिक्स नाम की कंपनी का मालिक होता है। वो टोनी और माया को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन टोनी से झूठ बोलकर बिल्डिंग की छत पर इंतजार करने को कह देता है। टोनी की इस हरकत से ऑल्ड्रिच क्लेन उससे बहुत नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ टोनी माया को भी छोड़कर चला जाता है, जिससे वो भी टोनी से बहुत नाराज हो जाती है। उसके बाद माया क्लेन की कंपनी एम को ज्वाइन कर लेती है और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने में लग जाती है। एक्सट्रीमिस्ट के कारण क्लेन का हैंडीकैप पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उस फॉर्मूले से क्लेन को बहुत सारी ताकतें भी मिल जाती है और वो बहुत पावरफुल हो जाता है। फिर माया और क्लेन एक्सट्रीमिस्ट से बाकी लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर जिनकी बॉडी एक्सट्रीमिस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाती वो धमाके के साथ फट जाते हैं। मगर माया और क्लेन एक्सट्रीमिस्ट को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। इस इंसिडेंट के 13 साल के बाद यानी कि सन 2012 में टोनी को न्यूयॉर्क के हमले के कारण बार बार घबराहट के दौरे आ रहे थे, इसीलिए उसने अपनी और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए काफी सारे आर्मर बना लिए थे। फिर एक दिन ऑल्ड्रिच क्लेन पेपर से मिलने स्टार्क इंडस्ट्रीज आता है। क्लेन अब एक्सट्रीमिस्ट की वजह से पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वह अपनी एक नई रिसर्च को पेपर को दिखाना चाहता था और चाहता था कि स्टार्क इंडस्ट्रीज उसकी नई रिसर्च में शामिल हो जाए, मगर पेपर टोनी का हवाला देकर उसे मना कर देती है, जिससे क्लेन फिर से नाखुश होकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में मैंडरिन नाम का एक आतंकवादी बहुत तबाही मचाना शुरू कर देता है और वह अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है। ऐसे ही एक बॉम्ब ब्लास्ट में टोनी का दोस्त हैप्पी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और कोमा में चला जाता है, जिससे टोनी स्टार्क बहुत गुस्सा हो जाता है और सरेआम मीडिया के सामने मैंडरिन को धमकी दे देता है, जिसके पलटवार में मैंडरिन टोनी के ऊपर एक जबरदस्त हमला करवा देता है, जिससे टोनी को हमले के दौरान टोनी अपने एक नए आर्मर में होता है जो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मगर जैसे तैसे टोनी उस अटैक से बच निकलता है। टोनी वहां से बचकर रॉस हिल टेनेसी में जाकर पहुंच जाता है, जो न्यूयॉर्क से हजारों मील दूर था, इसलिए टोनी के सूट की पावर भी खत्म हो जाती है और टोनी वापस न्यूयॉर्क भी नहीं पहुंच सकता था, जिससे सबको यह लगता है कि टोनी उस हमले में मारा गया है। फिर टोनी वहां पर हार्ली कीनर नाम के एक बच्चे से मिलता है, जिसकी मदद से टोनी उसके घर में अपने आर्मर को चार्ज करता है और कुछ छानबीन करने के लिए उस शहर में रुक जाता है। वहां पर छानबीन करने के दौरान टोनी को पता चलता है कि मैंडरिन के बॉम्ब अटैक के पीछे ऑल्ड्रिच क्लेन का भी हाथ है। इसी दौरान ऑल्ड्रिच क्लेन के कुछ आदमी टोनी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोनी उनसे पीछा छुड़ाकर भाग जाता है। उसके बाद टोनी सैटेलाइट की मदद से मैंडरिन का पता लगाता है और मियामी जाकर उसके अड्डे में घुस जाता है। वहां के गार्ड से बचते हुए टोनी मैंडरिन तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन टोनी को वहां पहुंचकर यह पता चलता है कि मैंडरिन कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक एक्टर है जिसका असली नाम ट्रेवर है और वो ऑल्ड्रिच क्लेन के कहने पर मैंडरिन की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि क्लेन के एक्सट्रीमिस्ट के टेस्ट में लोग धमाके से मर रहे थे। इसलिए उसने यूएस गवर्नमेंट से बचने के लिए मैंडरिन का खौफ फैलाना शुरू किया, ताकि क्लेन पर किसी का शक न जाए और वो बचा रहे। टोनी की इस पूछताछ के दौरान क्लेन का खास आदमी टोनी को पकड़ लेता है और इसी के साथ क्लेन पेपर पॉट्स को भी किडनैप कर लेता है। फिर ऑल्ड्रिच क्लेन पेपर पॉट्स की बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट को इंजेक्ट कर देता है, ताकि टोनी पेपर को बचाने के लिए एक्सट्रीमिस्ट की कमियों को ठीक कर दे। लेकिन इसी बीच माया को लगता है कि क्लेन गलत कर रहा है, इसीलिए माया क्लेन को रोकने की कोशिश करती है, जिसके लिए क्लेन माया को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ रोडी यानी कि वॉर मशीन यूएस प्रेसिडेंट की सुरक्षा में लगा हुआ था, उसे मैंडरिन की गलत लोकेशन देकर पकड़ लिया जाता है और फिर क्लेन रोडी से आर्मर छीन लेता है, ताकि उसकी मदद से वह प्रेसिडेंट को किडनैप कर सके। इस काम के लिए वाइस प्रेसिडेंट उसकी हेल्प कर रहा था। इसके बदले में क्लेन वाइस प्रेसिडेंट की बेटी को एक्सट्रीमिस्ट से ठीक करने वाला था। उसके बाद क्लेन अपने एक आदमी को रोडी का आर्मर पहनाकर प्रेसिडेंट के पास भेज देता है और प्रेसिडेंट को एयरफोर्स वन से किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ टोनी और रोडी क्लेन की कैद से भाग जाते हैं और उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर क्लेन ने प्रेसिडेंट को रखा था। क्लेन ने पेपर को भी कैद करके वहीं रखा था। वहां पर क्लेन के बहुत सारे सैनिक मौजूद थे जो एक्सट्रीमिस्ट की पावर का इस्तेमाल कर चुके थे और वे सब प्रेसिडेंट को लाइव टीवी पर यूएस की जनता के सामने मारने वाले थे। फिर टोनी जार्विस की मदद से अपने बनाए हुए सारे आर्मर वहां बुलवा लेता है और टोनी हाई टेम्परेचर को निशाना बनाकर क्लेन के सैनिकों को मारने का ऑर्डर दे देता है। टोनी के सारे आर्मर एक एक करके क्लेन के सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं और इसी बीच रोडी प्रेसिडेंट को बचा लेता है और उन्हें वहां से लेकर चला जाता है। और फिर टोनी पेपर को बचाने की कोशिश में लग जाता है, मगर पेपर बहुत ऊंचाई से नीचे आग में गिर जाती है। फिर टोनी और क्लेन में एक फाइट शुरू हो जाती है, मगर इस फाइट में टोनी क्लेन के सामने कमजोर पड़ने लगता है। उसके बाद टोनी अपने एक आर्मर की हेल्प से क्लेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें क्लेन बच जाता है। फिर ऑल्ड्रिच क्लेन जब टोनी को मारने ही वाला होता है, तभी पेपर वहां आ जाती है और क्लेन को मार देती है। पेपर की बॉडी पे एक्सट्रीमिस्ट था, जिसकी वजह से वह गिरने के बाद भी बच गई थी और क्लेन को मार पाई। उसके बाद टोनी पेपर के
खातिर अपने सारे आर्मर को तबाह कर देता है और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और मैंड्रिन यानी के ट्रेवर को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके कुछ टाइम बाद टोनी एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर रिसर्च करके पेपर की बॉडी से एक्सट्रीमिस्ट को निकाल देता है और वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हैप्पी भी कोमा से बाहर आ जाता है और वो जल्दी से ठीक होने लगता है और सबसे आखिर में टोनी अपने सीने में बॉम्ब के टूटे हुए पार्ट्स को ऑपरेशन के जरिए निकलवा देता है, मगर उसके बाद भी टोनी अपना आर्मर इस्तेमाल कर सकता था। तो दोस्तों ये थी आयरन मैन 3 की पूरी कहानी। तो मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।